हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोग्राफी में चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन में आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें होती है हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन। जैसे कि हमारा हो गया, मान गया डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में हमारे कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्लियर, लिक्विड डोजेस फॉर्म और हमारा अदर डोजेस फॉर्म। अदर्स में हमारा क्या आ जाएगा? ऑइंटमेंट्स आ जाएंगे, क्लियर, ऑइंटमेंट्स आ जाएंगे, क्रीम्स आ जाएंगे, ये सारे क्या है अदर डोजेस फॉर्म। तो ये सब क्या है हमारे, इनमें हम क्या देखेंगे? हर्बल फॉर्मुलेशन देखेंगे कि हर्बल नेचुरली, मतलब कि नेचुरली कुदरती हम कैसे क्या इसमें बन रहा है, क्लियर। आप सभी जानते हैं जैसे कि हर्बल फॉर्मुलेशन हमारा जो हम प्लांट और एनिमल से लेकर बनाते हैं डोजेस फॉर्म, उनके एक्टिव पार्ट से लेकर बनाते हैं, तो वो ये प्रोसेस जो है हमारा ये काफी सालों से चला आ रहा है। जैसे कि हमारा आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, ये सब क्या है? हर्बल फॉर्मुलेशन है। ये सब क्या है? बहुत सालों से चले हुए आ रहे हैं, क्लियर। तो अब आगे पढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर हर्बल फॉर्मुलेशन होता क्या है। व्हाट इज हर्बल फॉर्मुलेशन? हर्बल फॉर्मुलेशन, यहाँ पे ये हर्बल क्या है, क्लियर, हर्बल क्या है? तो हर्बल वो जो हम क्या नेचुरली, क्या नेचुरली कुदरती जो हम चीजें ले रहे हैं और उनके उनसे हम एक क्या बना रहे हैं, डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, क्लियर। अब वो चाहे लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, चाहे सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, चाहे कोई क्रीम बना रहे हैं, चाहे कोई ऑइंटमेंट बना रहे हैं, क्लियर। तो इसको तो हम कह देते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन। साधारण भाषा में देखें हर्बल फॉर्मुलेशन में क्या है, इसमें हम क्या लेते हैं, एक और एक से ज्यादा हर्ब्स लेते हैं। क्या लेते हैं? हर्ब्स लेते हैं और उनको लेकर हम एक हर्बल, एक डोजेस फॉर्म बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? डोजेस फॉर्म बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हर्बल फॉर्मुलेशन कहते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन कहते हैं, क्लियर, समझे। जैसे कि हमने क्या किया हर्बल फॉर्मुलेशन में, हर्बल फॉर्मुलेशन उसको कहते हैं जिस प्रोसेस में हम एक या एक से ज्यादा हर्ब लेते हैं, क्लियर। प्लांट, ये एक नेचुरली प्रोसेस है, कुदरती चीज है हमारी। हम प्लांट या एनिमल के किसी पार्ट से उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारे, वो क्या रखता है, जो थेरापेटिक यूजेस रखता है, जो हमारे कई बीमारियों को ट्रीट करता है, क्लियर, हमारे कई बीमारियों को ट्रीट करता है, उसको हम निकालते हैं और हम एक डोजेस फॉर्म बनाते हैं, क्लियर। ये हो गया हमारा क्या, हर्बल फॉर्मुलेशन। और ये जो प्रोसेस है पूरा, ये कोई आज से नहीं चलता आ रहा है, ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, क्लियर। अब इनमें हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन में हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जो हमें देखना जरूरी होता है। जैसे कि पहला जो टर्म हो गया हमारा पॉलीहर्बल, क्या हो गया हमारा पहला टर्म, पॉलीहर्बल, क्लियर। इसी में हमारा जो दूसरा टर्म है वो हो गया हमारा आयुर्वेदा, क्या हो गया, आयुर्वेदा। और जो इसी में हमारा तीसरा टर्म है वो हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, पूछोगी मैम इसमें क्या होता है, तो इसमें मैं बताऊं जो हमारा पॉली हर्बल होता है, इसमें क्या करते हैं, वन और मोर हर्ब्स लेते हैं, मोर हर्ब्स लेते हैं, फिर प्लांट, प्लांट के पार्ट्स एक या एक से ज्यादा, जिसमें क्या है, एक डिजायर्ड, एक डिजायर्ड केमिकल है जो कि क्या कर रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी के एक या एक से ज्यादा क्या कर रहा है, बीमारियों को ट्रीट कर रहा है, बीमारियों को ठीक कर रहा है। तो पॉली हर्बल में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा हर्ब है,
क्लियर, जो कि जिनमें क्या प्रेजेंट है, एक डिजायर्ड केमिकल प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। क्लियर, ये तो हो गया हमारा पॉलीहर्बल, समझे, लिखते चले, ये तो हो गया हमारा पॉलीहर्बल। अगर हम अब नेक्स्ट टर्म की बात करें इसी में, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या कहता है, आयुर्वेदा। क्लियर, तो आयुर्वेदा क्या कहता है हमारा कि इसमें हम बहुत सारी मेनी मेनी हर्ब्स लेते हैं, मेनी हर्ब्स लेते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर रेशियो में। क्लियर, हम इसमें एक एक से ज्यादा कई ज्यादा हर्ब्स लेते हैं, पार्ट्स लेते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। क्वांटिटी एक पर्टिकुलर ही रहेगा, क्वांटिटी एक सी ही रहेंगी। क्लियर, एक सी मतलब कि अगर वन है, वन ही होगी पर्टिकुलर क्वांटिटी, टू है, टू ही होगी, ऐसा नहीं उसको 2.2 करके चलो थोड़ा तो और ज्यादा कर, जो है वही लेनी है, पर्टिकुलर क्वांटिटी लेंगे, एक कई एक से ज्यादा हम हर्ब्स लेंगे, कई हर्ब्स होंगी उसमें, एक या दो या तीन नहीं होंगी, कई हो सकती है। क्लियर, और क्या करेगा, पर्टिकुलर रेशियो में ले रहे हैं, उनकी क्वांटिटी पर्टिकुलर रेशियो में है, और क्या करते हैं वो हमारे इलनेस को ट्रीट करते हैं, इलनेस को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्लियर, समझे, पॉलीहर्बल में आप देखे लिंक करें, पॉलीहर्बल में क्या हो रहा था, वन और मोर, अब इसमें वन तो नहीं है, इसमें एक तो नहीं लेंगे, इसमें कई हर्ब्स होंगी। क्लियर, इसमें एक भी हो सकता था, चलो एक इस वाले में, इस वाले डोसेज फॉर्म में हमने एक से काम चल गया, फिर एक से ज्यादा भी हो सकता अगले में, लेकिन इसमें आयुर्वेदा में सिर्फ एक हर्ब नहीं होता है डोसेज फॉर्म में, इसमें बहुत सारे हर्ब्स का मिक्सचर होता है जो कि बनाया जाता है डोसेज फॉर्म हमारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, समझे। क्लियर, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म क्या था हमारा, थर्ड टर्म ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है, कोई आज से नहीं चल रही है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें प्लांट फॉर्मुलेशन, जो हम प्लांट फॉर्मुलेशन होता है, प्लांट फॉर्मुलेशन करके, क्लियर, जो एक्सट्रैक्ट आता है, एक्सट्रैक्ट किसका, एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट, क्लियर, उससे क्या बनाया जाता है, डोजेस फॉर्म, उससे क्या बनाया जाता है, डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म बनाया जाता है किस लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए, किस लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। क्लियर, इसमें क्या लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट, हमने एक ड्रग लिया, हमने एक प्लांट लिया, प्लांट का पार्ट लिया, उसको वॉश किया, उसको ड्राई किया, उसको पाउडर में बनाया, उसके बाद उसको इवोपोरेट कराया या बॉइल्ड कराया, जो फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट आएगा, उस एक्सट्रैक्ट से हम डोजेस फॉर्म बनाएंगे, और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी की डिजीज को, जो भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इस डोज को बनाया जा रहा है, उस डिजीज को ये क्या करेगा, ठीक करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे समझ में आ गया, तीनों टर्म समझ में आ गया, आयुर्वेदा आदि समझ में। क्लियर, हमारा पहला क्या था, पॉलीहर्बल था। क्लियर, तीनों पॉइंट एकदम क्लियर है, चलिए तो आगे बात करें। तो इंट्रोडक्शन में यही जो मैंने हर्बल के बारे में बताया है आपको, हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होती है, पॉलीहर्बल क्या होता है, क्लियर, ये वही सब लिखा हुआ है, आप सब पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, वही जो मैंने बताया, पॉलीहर्बल क्या होता है, आयुर्वेदा क्या होता है, और हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है, कुछ टर्म्स है जो हमको इसमें पढ़ना और समझना जरूरी है। क्लियर, ये लिखा हुआ है, देख लेना। क्लियर, तो अब हम स्टार्ट देखेंगे कि क्या स्टेप है। क्लियर, अब देखें स्टेप्स कि अब हम डोजेस फॉर्म बनाने के लिए, एक हर्बल फॉर्मुलेशन करने के लिए
हम जैसे अगर मान लो कोई सिरप ही बना रहे हैं या कोई टैबलेट ही बना रहे हैं, कोई कैप्सूल ही बना रहे हैं, तो कुछ स्टेप तो होगा उसका। हाँ बिल्कुल स्टेप है, आइए देखते हैं स्टेप क्या है। तो अब हमको डोज फॉर्म बनाना है। अब डोज फॉर्म हर्बल है क्योंकि नेचुरली ले रहे हैं, तो आपको जिस भी प्लांट या एनिमल का कोई भी पोर्शन लेना है वो लेंगे हम। क्लियर? रॉ मटेरियल लेंगे, मटेरियल लेंगे हम। क्लियर? उसको पहले तो सिलेक्ट करेंगे, जो पहला प्रोसेस होगा सिलेक्शन का होगा। क्लियर? उसको कलेक्ट करेंगे फिर। क्लियर? कलेक्ट करने के बाद उसको वॉश, उसको ड्राई। क्लियर? उसको पाउडर में, ये सब कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? एक्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा? एक्सट्रैक्शन होगा, फिल्टर होगा, और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद उस पाउडर को हम प्रिपरेशन के लिए भेज देंगे, किसके? डोजेस फॉर्म के। डोजेस फॉर्म बनाने के लिए फिर हम उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो एक फॉर्मुलेशन में, एक ड्रग के फॉर्मुलेशन में होते हैं। हम कुछ भी तैयारी करने जाएंगे, मान लिया हम पेपर देने जाएंगे, शुरू से हम देखेंगे हमें क्या क्या कंटेंट देखना है, पहले तो उतना देख लेंगे। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी जरूरी है, देख लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम वो प्रोसेस शुरू करेंगे, यही करते हैं हम। तो ठीक, उसमें डोजेस फॉर्म में भी यही है। पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमको कौन सा पार्ट चाहिए, हम कौन से डिजीज के लिए कौन सा पार्ट ढूंढ रहे हैं, और इस पार्ट में क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है। क्लियर? आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसको वॉश करेंगे, सुखाएंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन कराएंगे, फिल्टर कराएंगे, वो पाउडर में आ जाएगा। क्लियर? उस पाउडर फॉर्म को हम आगे प्रोसेस के लिए, डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए प्रोसेस कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टेप कि एक हर्बल फॉर्मुलेशन में ये स्टेप्स हैं, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर? आइए, ये वो स्टेप्स हैं, आप देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में ही हमारा, कि जो डोजेस फॉर्म है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। क्लियर? जो सेकंड है हमारा वो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्लियर? और जो हमारा थर्ड है वो अदर्स है, अदर्स डोजेस फॉर्म। क्लियर? ये तीन हमारे चार है डोजेस फॉर्म है, जिनमें आज हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या है, क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या चीजें हमारी आ रही हैं, और अदर डोजेस फॉर्म में हमारा क्या क्या आ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम उठा लेते हैं इसमें से हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो फर्स्ट हम उठा लेते हैं उसमें से हम अपना क्या, लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लियर? अब हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या देखेंगे, हमने ये देखना कि हम पहले लिक्विड डोजेस फॉर्म में ले लेते हैं अपना डिकॉक्शन। क्या ले लेते हैं? डिकॉक्शन। अब बोलोगे मैम ये डिकॉक्शन क्या है, तो भाई डिकॉक्शन कुछ नहीं है, डिकॉक्शन एक प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस है। क्लियर? हम अपना क्या ले लेंगे, प्लांट मटेरियल ले लेंगे। प्लांट मटेरियल भी प्लांट का वो पार्ट ले लेंगे जिससे हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालना है। क्लियर? ले लेंगे। प्लस क्या करेंगे हम उसमें, हम वाटर ऐड कर देंगे। प्लस क्या ऐड कर देंगे, मान ली कंटेनर लिया हमने, इसमें क्या ले लिया हमारा प्लांट का कोई पार्ट ले लिया। क्लियर? उसी में हमने वाटर ऐड कर दिया। क्लियर? अब क्या करना है हमको, अब हमको हीट प्रोवाइड करनी है। इस प्रोसेस को हमने क्या प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करनी है। क्लियर? हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या, हीट प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा इसमें से एक्सट्रैक्ट आएगा, जो हमारा इसमें से एक्सट्रैक्ट आएगा, उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट को हम
कूल करेंगे, क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे, कूल करने के बाद उसको हम फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकॉक्शन। ये हमारा लिक्विडोसिस फॉर्म में होता है, क्लियर। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिकॉक्शन। जो एक्सट्रैक्ट यहां से निकलेगा उसको हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस समझ गए आप, डिकॉक्शन में क्या हुआ, क्या लिया हमने, प्लांट मटेरियल ले लिया जिससे हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालना, चलिए ले लिया। लेने के बाद क्या किया, वाटर ऐड किया, कर लिया। करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें हीट प्रोवाइड करनी है। हीट देने के बाद जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा उसको हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसको हम फिल्टर करेंगे, समझे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम, डिकॉक्शन। चलो अब हमारा लिक्विडोसिस फॉर्म में ही अगला आता है, क्योंकि लिक्विड है तो हम लिक्विडोसिस फॉर्म की ही बात करेंगे। और जब लिक्विडोसिस की फॉर्म की बात कर रहे हैं और उसमें हम अगर सिरप की बात नहीं की तो फिर किसकी बात की, क्लियर। तो लिक्विडोसिस फॉर्म में हमें अगला देखेंगे सिरप आएगी। अब हमें क्या देखना है, सिरप, क्लियर। तो सिरप में क्या करते हैं हम, सिरप बनाने का क्या प्रोसेस है, सिरप बनाने का ये प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे हम, 40 mg सुक्रोज लेंगे। 40 mg सुक्रोज लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें सफिशियंट, उसमें जितना सफिशियंट है हमको, जितनी हमको वाटर की नीड है, क्या सफिशियंट वाटर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, सफिशियंट वाटर ऐड करने के बाद क्या कर लेंगे हम, क्लियर। तो सफिशियंट वाटर ऐड करेंगे हम, क्यों वाटर ऐड कर रहे हैं, है ना, पूछे मैम हमने चलो सुक्रोज ले लिया, फिर हम वाटर भी ऐड कर रहे हैं, भाई वाटर इसलिए ऐड कर रहे हैं टू गेट सिंपल सिरप। एक सिंपल सिरप पाने के लिए हमने उसमें सुक्रोज लिया, सुक्रोज के बाद हमने उसमें क्या, वाटर भी लिया। अब वाटर लेने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा ये सिंपल सिरप है, उसमें क्या किया, उसमें हमारा जो भी प्लांट का पार्ट था, उसमें मिक्स किया, क्लियर। प्लांट पार्ट को मिक्स किया, डिकॉक्शन कराया, क्या कराया, डिकॉक्शन कराया। बताया मैंने अभी लास्ट ही स्लाइड में कि डिकॉक्शन क्या होता है। डिकॉक्शन कराने के बाद क्या कराया हमने, फिल्टर कराया, और हमारा जो भी प्लांट और इसका सिंपल सिरप था इसमें क्या किया, फिल्टर कराने के बाद क्या किया हमने, एजेंट ऐड किए, कलर एजेंट ऐड किया, फ्लेवर ऐड किया, ये सारी चीजें हमने क्या की, ऐड की। तो सिंपल सिरप हमारा कुछ ऐसे बनता है, क्लियर। तो देखें क्या किया हमने, 40 mg हमने सुक्रोज लिया, उसको एक सफिशियंट जितना वाटर चाहिए था उतने वाटर में हमने उसको मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद हमको क्या मिला, हमको 100 ml सिंपल सिरप मिला। अब सिंपल सिरप में हमने क्या किया, सिंपल सिरप लिया, उसमें क्या किया, प्लांट बैटर डाला, प्लांट का जो पार्ट था डाला, डिकॉक्शन कराया, डिकॉक्शन कराने के बाद हमने उसको फिल्टर किया, क्लियर। और फिल्टर करने के बाद क्या किया हमने, उसमें कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सारी चीजें ऐड की, और ये हमारा होता है सिरप का फॉर्म्यूलेशन। ऐसे होता है हमारा सिरप, ऐसे बनता है हमारा एक सिरप, क्लियर। चले तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमने क्या पढ़ लिया, लिक्विडोसिस फॉर्म पढ़ लिया। जो डोसिस फॉर्म में हमारा सेकंड था वो क्या था हमारा, सॉलिड डोसिस फॉर्म। चलिए तो सॉलिड ओबिस फॉर्म में अगर हम पहले बात करें, सॉलिड ओबिस फॉर्म में दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा आ गया टैबलेट, क्लियर। टैबलेट खाते हैं आप लोग, ऑब्वियसली बात है, कोई प्रॉब्लम होती है, फीवर होता है, कोल्ड होता है, पेन होता है कहीं, तो जरूर हम टैबलेट खाते हैं। तो टैबलेट जो होता है हमारा, क्या होता है टैबलेट हमारा, सॉलिड डोसिस फॉर्म होता है,
क्या होता है टैबलेट हमारा ऐसी दिखती है कुछ टैबलेट्स, क्या होता है टैबलेट हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल भी हमारा कुछ ऐसे दिखता है और क्या होता है ये भी हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। क्लियर, ये दोनों क्या होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। क्लियर, जो हमारा टैबलेट है अगर इसके बनाने का देखें तो ये हमारा पहले ब्लेंड करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं। क्लियर, ग्राइंडिंग करते हैं, क्यों करते हैं हम ये ब्लेंड और ग्राइंड, क्योंकि हमको क्या चाहिए एक शेप और साइज चाहिए। पर्टिकुलर शेप और साइज में देखते होंगे ऐसे ही टैबलेट आता है, ये टैबलेट की ये शेप लेने के लिए हम इसको ब्लेंड और ग्राइंड करते हैं। क्लियर, अब टैबलेट बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। क्लियर, जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा वेट ग्रैन्यूलेशन। और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है हमारा ड्राई ग्रैन्यूलेशन। ये तो हो गया हमारा टैबलेट का, तीन हमारा ऐसे बनता है, ऐसे हम शेप साइज के लिए करते हैं, इन इन प्रोसेस से हमारी टैबलेट बनती है। ये क्या है? सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्लियर, अब आ जाए बात करते हैं कैप्सूल की। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में ये आ रहा है, सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारा कैप्सूल भी है। जो इसमें कैप्सूल का जो हमारा ये आउटर पोर्शन होता है, अंदर तो हमारी ड्रग होती है, अंदर क्या होती है हमारी ड्रग होती, जो इस पोर्शन है इसको जिलेटिन शेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारा ड्रग फिल्म होती है, क्या होती है हमारी ड्रग फिल्म होती है। क्लियर, इस पोर्शन को जिलेटिन शेल बोलते हैं। क्लियर, और इसको मतलब अगर हम कैप्सूल की बात करें तो टैबलेट से ज्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि कोई बिटर टेस्ट नहीं आता है, इजिली हम उसको ले लेते हैं, कहीं अटकती अटकती नहीं है, और रैपिड एक्शन है इसका, जल्दी से जल्दी क्या करती है एक्शन दिखाती है, काम करना शुरू करती है। क्लियर, तो समझ गए सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमने बात की टैबलेट की। क्लियर, सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमने बात की टैबलेट की, हमने बात की कैप्सूल की, दोनों ही क्या है सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्लियर, टैबलेट ऐसा दिखता है, सॉलिड डोजेस कैप्सूल ऐसा दिखता है। क्लियर, और टैबलेट में क्या होता है ब्लेंड करते हैं ग्राइंड करते हैं उसके एक शेप और साइज के लिए। इसमें 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है वेट ग्रैनुलेशन, एक होता है ड्राई। क्लियर, आगे अगर हम बात करें कैप्सूल की, कैप्सूल में ड्रग्स जो होती है हमारे जिलेटिन शेल में फिल्ड होती है, ये इजिली हम ले सकते हैं, कोई भी बिटर टेस्ट नहीं आता, रैपिड एक्शन है इसका, जल्द से जल्द क्या करता है काम करता है डिजीज पे, प्रॉब्लम्स पे। क्लियर, ये तो हो गया हमारा सेकंड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म। चलिए अब जो हमारा थर्ड था वो था हमारा अदर डोजेस फॉर्म। क्लियर, तो अदर डोजेस फॉर्म में हमारी 2 चीजें आती हैं, एक आता है हमारा ऑइंटमेंट, एक आता है हमारा हर्बल क्रीम। ये दोनों ही क्या है हमारे अदर डोजेस फॉर्म में आते हैं। ये दोनों ही हमारे, अगर मैं बात करूं कि कैसा डोजेस फॉर्म है ये, तो ये दोनों ही हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ये दोनों ही हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्लियर, और ये जो ऑइंटमेंट है, ये दोनों ही चीजें हमारा किस पे अप्लाई होती है, हमारे स्किन पे अप्लाई होती है, स्किन पे अप्लाई होती है। क्लियर, ये हमारे किस पे स्किन पे अप्लाई होती है, हमारे जैसे रेक्टम, क्लियर, नेजल, इन सारी चीजों पे हमारे स्किन पे अप्लाई होती है। ऑइंटमेंट हमारा पेन के लिए, जैसे हमें जॉइंट्स में पेन है, मसल्स में कहीं पेन है, उस जगह पे हम क्या करते हैं ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। ये जो होता है हमारा, दोनों ही चीजें लिक्विड, जैसे हमारा ऑयल हो गया, ऑयल ले ले, ऑयल को हीट करके और एक्वस फॉर्मुलेशन ऐड करके ये हमारा बनाया जाता है। क्लियर, ऑयल को हीट प्रोवाइड
ऐड करके और एक्वस सॉल्यूशन ऐड करके मिक्स करके हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हमारा ऑइंटमेंट और हर्बल क्रीम बनाया जाता है जो कि हमारे स्किन पोर्शन पे अप्लाई होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका स्किन पोर्शन से है। क्लियर? चलिए, तो हमने तीनों डोजेस फॉर्म पढ़ ली। हमने जान लिया लिक्विड क्या होता है, हमने जान लिया सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है। चलिए, तो अब आगे भी जो भी आएगा वो सब कुछ वही है जो मैंने लास्ट तीन चीजें पढ़ाई है, वही यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। क्लियर? डिकॉक्शन का प्रोसेस वही बताया मैंने, बॉइल करेंगे। क्लियर? बॉइलिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट जो आएगा उसको हम ठंडा करेंगे और फिल्टर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था? सिरप। हमने सिरप की बात की थी। ये सब क्या है? हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है। क्या है हमारा? लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ये वही प्रोसेस है जो मैंने एक सिरप बनाने का प्रोसेस बताया था, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट मैंने क्या बात की थी? सॉलिड हर्बल डोजेस फॉर्म की बात की थी। तो सॉलिड डोजेस हर्बल में क्या हमने देखा था कि हमने कैप्सूल देखा था और कैप्सूल के साथ साथ हमने क्या देखा था? टैबलेट भी देखा था। क्लियर? ये देखें, अगर एग्जांपल देखें तो ये है इनके एग्जांपल, फेनोग्रेक, कोलरा कैप्सूल और मोरिंगा कैप्सूल। ये है इनके एग्जांपल। ये हमारे हर्बल में इस नाम से हमारे कैप्सूल्स आते हैं। ये टैबलेट के बारे में बात की थी हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ये मेथड्स थे हमारे, हमारे तीन मेथड्स थे, तीनों मेथड्स के बारे में बताया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑइंटमेंट्स में पढ़ा था, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं ये। क्लियर? चलिए, ये देखिए हर्बल फेयरनेस क्रीम, बेबी क्रीम। ये हर्बल क्रीम में हमारे बेबी क्रीम आते हैं, हर्बल फेयरनेस क्रीम आती है, बहुत सारी ऐसी क्रीम आती है जो हमारे डार्कनेस को, पिंपल्स को, एक्ने प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं फेस की। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हर हार्ट। जय हिंद, थैंक यू।